हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं हिमाचल। इनकी सैटरडे की छुट्टी थी मेरे हस्बैंड की, तो सैटरडे का ही दिन है, तो हम जा रहे थे घर पे। तो सोचा कि चलो घर पे मिल आते हैं जाके, और फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे घूमने के लिए। वो भी हमारा प्लान सडन ही बना था। तो हम घर पहुंच गए थे, घर का मैंने क्लिप नहीं शूट किया था क्योंकि आधे घंटे के लिए हम घर पे रुके थे। फिर मेरे दोनों भाई हम निकल लिए थे बाहर घूमने के लिए। एक्चुअली हम जा रहे थे एक रिज़ॉर्ट में। काफ़ी टाइम से मन भी हो रहा था कि चलो घूम आते हैं, तो कहीं गए नहीं थे और ये फ़र्स्ट टाइम ही है हमारा ऐसे रिज़ॉर्ट में जाना, मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का। मेरे भाई वगैरह तो जाते रहते हैं घूमने के लिए। तो बड़ा मौसम भी अच्छा हो रखा था, हिमाचल का तो मौसम अच्छा रहता ही, आप लोगों को पता ही है। तो बस घर से ज़्यादा दूर था नहीं, 20 किलोमीटर कुछ घर से दूर था। तो हम निकल लिए थे तभी चाय पानी पी के, और बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर बस हम पहुंच गए थे यहाँ पर रिज़ॉर्ट, और ये जो रिज़ॉर्ट है ये देहरादून में है। हाँ, देहरादून में है ये रिज़ॉर्ट ना। तो बाहर का जो मौसम था वो भी अच्छा था काफ़ी ज़्यादा। तो ये रहा वो रिज़ॉर्ट, और रिज़ॉर्ट भी बड़ा सुंदर सा था, छोटा सा था लेकिन सुंदर था। मधुबन रिज़ॉर्ट है इसका नाम। तो काफ़ी लोग तो नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे, कोई इक्का दुक्का ही देखने को मिल रहा था। मतलब लेडीज़ भी थी वहाँ पर, फैमिली वाले आए हुए थे। तो जब हम पहुँचे थे तो उस टाइम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पर मतलब खाने पीने का भी ऐसा मतलब मिलता रहता था, खाने का सामान जो है वो भी मिल जाता है। और ग्रीनरी थी आसपास, जैसे कि हाईवे पर ही था और ग्रीनरी भी है। और इधर हिमाचल और देहरादून में तो आपको पता ही है कि बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट रहता ही है। तो एक घंटे की जो टिकट थी वो थी 100 रुपये की, और ये कुछ ऐसे टाइप ही था, फन सिटी टाइप। मतलब यहाँ पर स्लाइड नहीं थी, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको मतलब ऐसे यहाँ पर पूल में नहाना है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस भी मिलती थी अगर आपको वो चाहिए तो, पर मैंने नहीं ली थी। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाया पिया, फिर हम घर के लिए निकल गए थे। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग था मेरा, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आसपास एन्जॉयमेंट देखिए हमारी।